हेलो दोस्तों, अभी अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से एक बड़ी खबर आ रही है कि ये यदि पिछले 2 महीने में देखें तो ये तीसरी बार जो है वो गन फायरिंग हो रही है। और इस गन फायरिंग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये वाशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस से बिल्कुल 3 किलोमीटर दूर ये फायरिंग हुई है, यानी कि जहाँ पर प्रेसिडेंट का एक्चुअली घर होता है, जो कि हाई सिक्योरिटी अलर्ट होता है, वहाँ उससे 3 किलोमीटर दूर ये फायरिंग हुई है। और उसमें एक एक्चुअली पुलिस वाले के साथ लगभग लगभग 9 लोगों की मौत की खबरें आ रही है और उसमें एक बच्चा भी शामिल है। तो चलिए आज हम इस पूरे मामले को मैप के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले यदि आप ये देखें तो ये है टेक्सास का इलाका, और यदि हम मे की बात करें तो मे में जैसा कि आपको पता ही है कि ये जो पूरा टेक्सास का इलाका है, यहाँ पर बड़ी फायरिंग हो गई थी और उसमें लगभग लगभग 19 बच्चों की मौत हो गई थी। उसके अलावा यदि हम बात करें तो फिर से जून 1 इसी महीने में ओकलाहोमा में फायरिंग हुई है और जिसमें भी कुछ लोगों की मौत हो गई। और इसी महीने में जो 20 जून है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये है वाशिंगटन डीसी, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कैपिटल भी कहा जाता है। ध्यान रखें ये वाशिंगटन डीसी अलग है और ये जो यहाँ पर आपको वाशिंगटन दिख रहा है ये बिल्कुल अलग है, ये एक सेपरेट स्टेट है। और ये वाशिंगटन डीसी जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये है कैपिटल। तो यह और यहाँ पर देखेंगे तो ये है व्हाइट हाउस और यहाँ पर है न्यू ईयर, ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये है न्यू ईयर। तो इस व्हाइट हाउस से बेसिकली 3 किलोमीटर दूर जो बताया जा रहा है कि 14th U Street जो एक जगह है वहाँ पर ही ये फायरिंग हुई है। और ये फायरिंग इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि ये व्हाइट हाउस से जस्ट 3 किलोमीटर दूर हुआ था और जिसमें एक पुलिस वाले और कुछ लोगों की मौत की खबरें हैं। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि जो गन कल्चर है यूनाइटेड स्टेट में, यानी कि ऑलमोस्ट अब सभी लोगों के पास आपको दिखेगा कि कोई ना कोई किसी भी प्रकार से लाइसेंस्ड और अनलाइसेंस्ड गन है। इवन जैसे ही गन फायरिंग होती है उसके बाद जो गन खरीदने में बहुत ज़्यादा तेजी देखने को मिलती है, गन प्रोडक्शन में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो जो गन कंपनियां हैं उनके शेयर में भी लगभग लगभग 9 से 10% उछाल देखने को मिलता है। तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स के गन कल्चर का हाल, जिसकी वजह से बच्चों, अडल्ट और पुलिस वाले तक की मौत हो जा रही है। उसके बाद जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट है बाइडन ने, उन्होंने कहा है कि हमें एक स्ट्रिक्ट लॉज की ज़रूरत है जो कि गन कल्चर को ख़त्म करे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए मैप के साथ।